बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। थैंक यू वेरी मच जी, आपने लाइन पे लिया मुझे। ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा पाकिस्तान प्रॉपर्टी हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्सपो है जो कि हम पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में करने जा रहे हैं। पिछले 2021 में भी हमने ये एक्सपो किया था और बड़ा सक्सेसफुल ये हमारा एक्सपीरियंस रहा था, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम ये सीज़न 2 में करने जा रहे हैं और उससे मज़ीद बेहतर अपने आप को करके हम इसमें इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें आप देखेंगे इस दफ़ा हमने एलाइड इंडस्ट्रीज़ को फोकस ज़्यादा किया हुआ है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ साथ उसके एलाइड इंडस्ट्रीज़ को हमने सबको ऑन बोर्ड लिया है और उसमें तमाम सेक्टर्स जो हैं उनकी नुमाइंदगी यहाँ पे इंशाल्लाह होगी। इसके साथ साथ हमने इस दफ़ा एक एक्स्ट्रा मार्की यहाँ पे लगाई है जो कि फर्नीचर के लिए हमने फर्नीचर का शोकेस जो है वहाँ पे वो रखा है हमने। हमने यहाँ पे इस दफ़ा फूड कोर्ट रखा है जो कि आप देखेंगे कि उसमें तमाम जो फेमस ब्रांड्स हैं इस्लामाबाद के वो सब उसमें इंशाल्लाह पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर हम बच्चों के लिए यहाँ पे किड्स अरीना हमने बनाया है और आप देखेंगे कि एक चेंज जो है इस एक्सपो में आपको नज़र आएगी। मज़ीद भरपूर तरीके से पब्लिक की इसमें गर्मजोशी से आएगी और उसका जोश खरोश जो है वो पहले से भी ज़्यादा होगा। और उसमें हमने क्योंकि मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं, इसमें डिफरेंट सेशन रखे हुए हैं, स्टेट बैंक भी सेशन कर रहा है इसमें IG साहब भी इसमें इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से भी सेशन कर रहे हैं। इसमें हमने तमाम बैंक्स को ऑन बोर्ड लिया हुआ है, वो भी अपनी इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से भी प्रोग्राम कर रहे हैं। उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स भी इसमें अपना पार्टिसिपेशन कर रही है, वो भी अपना सेमिनार कर रहे हैं और अपने उसके बारे में प्रेजेंटेशन भी वो दे रहे हैं। नया पाकिस्तान भी हमारे साथ ऑन बोर्ड है, नया पाकिस्तान भी अपनी प्रेजेंटेशन यहाँ पर इसमें रख रहा है इंशाल्लाह। तो आप देखेंगे काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें इस दफ़ा जो है उसमें पहले से बेहतर करने की कोशिश की है। वो जो एक इसके जो इस सेक्टर पे टैक्सेस इजाफी टैक्सेस लगने से एक थोड़े कुछ अरसे के लिए इसके ऊपर इफ़ेक्ट आया था, वो इंशाल्लाह उसमें अब बेहतरी आएगी और हम इस्लामाबाद चैम्बर गवर्नमेंट से भी इसके ऊपर बातचीत कर रहा है और उनको हमने गवर्नमेंट को ये प्रपोज़ल भी दिया है कि वो जो इजाफी टैक्सेस लगाए गए हैं रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर उनके ऊपर भी थोड़ा सा गौर करें और उसमें कुछ रिलैक्सेशन दें और इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि उसमें भी कुछ बेहतरी आएगी। गवर्नमेंट लेवल पे तो हमने उसमें इनविटेशन सबको हमने सेंड कर दी हैं, उसमें मिनिस्टर्स भी हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी हम इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि वो भी इसका इनॉग्रेशन सेरेमनी वही करें और उनके साथ साथ तमाम मिनिस्टर्स, स्पीकर, नेशनल असेंबली, चेयरमैन सेनेट, डिप्लोमेट्स, कॉप को सारे को हमने इसमें ऑन बोर्ड लिया है। तमाम डिप्लोमेट्स जो हैं वो इसमें टाइम टू टाइम इंशाल्लाह विज़िट करेंगे। इंडिगो को मैं मिला आपके CEO से, डायरेक्टर साहिबान से, मैंने देखा है माशाल्लाह से यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं और बड़ा एग्रेसिवली काम कर रहे हैं और मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि इंडिगो टेक्नोलॉजी में एक नई रेवोल्यूशन लेके आएगा इस सेक्टर में, रियल इस्टेट सेक्टर में। और मैं समझता हूँ अब इस वक्त जो है इसी चीज़ की ज़रूरत है कि आप जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के साथ को साथ लेके चलें और अपने आप को मार्केट करें, उस लिहाज से अपने आप को प्रेजेंट करें।